वर्ल्ड कप 2023 में एक और बड़ा उलटफेर हो गया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से मात दे दी। इधर मैच खत्म, उधर सोशल मीडिया पर खेल शुरू हुआ। लोगों ने पाकिस्तान के बड़े मजे लिए। इनमें पूर्व क्रिकेटर भी शामिल हैं और फैंस भी। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने लिखा, मेरा ख्याल है आज चेन्नई में दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा होगा। शोएब अख्तर के भी दो ट्वीट तेजी से वायरल हैं। पाकिस्तान ने 282 रन बनाए थे, उसके बाद जब अफगानिस्तान की टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शोएब ने स्कोर को लेकर एक्स पर लोगों से पूछा कि काफ़ी होगा कि नहीं। काफ़ी है ना, एग्जैक्टली ये बात थी। अब ये तो नहीं पता कि शोएब अफगान टीम के मजे ले रहे थे या वाकई उन्हें यह स्कोर नाकाफी लग रहा था, लेकिन अफगानिस्तान की जीत से कुछ ही देर पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया जिससे लगा कि उन्होंने भी पाकिस्तान की हार कबूल कर ली। शोएब ने लिखा, लग रहा था कि काफ़ी नहीं है इसलिए पूछा था। ये तो एक्सपर्ट्स के ट्वीट हुए, लेकिन असली मजे तो फैंस लेते हैं। द्रोणा नाम के ट्विटर हैंडल ने, अब एक्स हो गया है, उन्होंने इस वक्त इंडियन क्रिकेट फैंस की प्रतिक्रिया कुछ यूं बताई। रिया शर्मा ने तो फैंस की खुशी की सारी वजहें एक ही ट्वीट में बता दी। एक रिएक्शन पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान का भी दिखा, ट्विटर पर नहीं एग्जैक्टली मैदान पे। वो मैच के बाद एक्सपर्ट कमेंट्री करने आए होंगे, उसी दौरान अफगान प्लेयर राशिद खान को देखकर नाचने लगे। राशिद भी इरफान के साथ बल्ले बल्ले करते दिखाई दिए। चलते चलते मैच की एक छोटी सी ब्रीफ भी लेते जाइए। 23 अक्टूबर को खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया है। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 7 विकेट खोकर 282 रन बनाए। अफगानिस्तान ने महज 2 विकेट के नुकसान पर यह लक्ष्य पूरा कर लिया, सिर्फ 2 विकेट गंवा के। टीम की तरफ से ओपनर रहमानुल्ला गुरबज ने 65 और इब्राहिम जादरान ने 87 रनों की पारी खेली। वहीं रहमत शाह ने 77 और कप्तान हशमतुल्ला शाहिदी ने 48 रनों की नाबाद पारी खेल टीम को जीता दिया। अपनी पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने उतरे अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक ने 56 रनों की पार्टनरशिप की। 11वें ओवर की पहली गेंद पर नूर अहमद ने इमाम को LBW आउट किया। 23वें ओवर में अब्दुल्ला शफीक भी अजमतुल्ला की गेंद पर नवीन उल हक को कैच थमा बैठे। आउट होने से पहले शफीक ने 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 58 रन बना लिए थे। इस बात कैप्टन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने मोर्चा संभाला कुछ, लेकिन रिजवान ज्यादा देर टिक नहीं पाए और महज 8 रन बनाकर चलते बने। उधर बाबर सिंगल सिंगल रन बनाते हुए टीम को बड़े स्कोर की तरफ ले जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई दूसरा बल्लेबाज उनके साथ टिकने को राजी नहीं था। रिजवान के बाद आए सौद शकील भी 25 रन बना के आउट हुए। फिर 42वें ओवर की 5वीं गेंद पर बाबर भी 74 रन बनाकर मोहम्मद नबी को कैच उन्होंने थमा दिया। उन्होंने 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 74 रन वैसे बनाए। बाबर के आउट होते वक्त पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेट पर 206 रन था। इसके बाद शादाब खान और इफ्तिखार अहमद ने टीम के स्कोर को 282 रनों तक पहुंचाया। दोनों ने 40-40 रन बनाए। इन दोनों के विकेट नवीन उल हक ने ही लिए। वहीं इस टारगेट का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम के बैटर शुरू से ही अग्रेसिव रहे। रहमानुल्लाह गुरबज ने तेजी से रन्स बनाए। उन्होंने 53 गेंदों पर 9 चौके मारे और 1 छक्का भी, और 65 उनका टोटल स्कोर था। 22वें ओवर में आउट होने से पहले उन्होंने इब्राहिम जादरान के साथ 130 रनों की पार्टनरशिप की थी। जादरान ने 113 गेंदों पर 87 रन बनाए, इनमें 10 चौके हैं। इन दोनों के बाद अफगानिस्तान का कोई विकेट गिरा नहीं। रहमत शाह और हशमतुल्ला शाहिदी ने पाकिस्तान का खेल खत्म कर दिया अपना खेल खेलते खेलते। रहमत ने 84 बॉल्स पर 5 चौके और 2 छक्के लगाए और 77 रन ठोके। वहीं शाहिदी ने 4 चौकों की मदद से 45 गेंदों पर 48 रन का स्कोर बनाया। दोनों ने ताबड़तोड़ बैटिंग नहीं की, लेकिन सिंगल डबल की रफ्तार कम नहीं होने दी। इस तरह अफगानिस्तान ने 49 ओवर्स में 286 रन बनाकर पाकिस्तान को मात दे दी। बॉलिंग की बात करें तो अफगानिस्तान की तरफ से नूर अहमद ने 3, नवीन उल हक ने 2 और अजमतुल्ला और मोहम्मद नबी ने 1-1 विकेट लिया। वहीं पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली 1-1 विकेट ले पाए। दूसरा कोई बॉलर कुछ कर नहीं पाया। और प्लेयर ऑफ द मैच किसे बनाया गया? इब्राहिम जादरान को। आपके लिए जानकारी इकट्ठा की थी हमारे साथी दुष्यंत ने और कैमरे पर जतिन ने, इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए तीन लगन टॉप।